सबसे पहले तो बिहार के स्टूडेंटों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। अभी उनका फिजिकल है कल, और आज हमें क्या करना है इसके लिए मैं एक वीडियो लाया हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम पूरा दिन अच्छे से रेस्ट करेंगे, बढ़िया से कपालभाति करेंगे जिससे ऑक्सीजन सर्वाइव हो पूरे शरीर में। हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे जिससे हमें दस्त लग जाए, पेट खराब हो जाए, या फिर मीठा आप खा लोगे महाराज तो बहुत नुकसान कर सकता है आपको। जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकती है, शरीर में टूटन हो सकती है, सिन पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मीठा खाने से ग्लूकोज बढ़ता है और शरीर में कई प्रकार की डायबिटीज जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आज हमको पूरा दिन बढ़िया से खाने पीने पर ध्यान रखना है। मैं तो हमेशा लड़कों से बोलता रहता था कि जब भी अगर आपका फिजिकल है तो 8 दिन पहले 1 दिन व्रत रखो, पूरा खाली पेट रखो, जिससे शरीर को फुल रेस्ट मिल जाए अंदर से पूरी तरह से। तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं जिनका कल फिजिकल है, बहुत बहुत मैं शुभकामना दे रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बंदे अपनी दौड़ को एक्सीडेंट मारेंगे। जिन बंदों ने बुंदेलखंड की टीम ट्रेनिंग की है और जो दौड़ने गए हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है, वहाँ पर वो एक्सीलेंट मार के आएंगे और बुंदेलखंड की टीम का नाम करेंगे। जितनी भी युवा हैं एक बात और ध्यान से सुन लो, हमको खाना क्या क्या है इसका भी ध्यान रखना। देखो आज हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का खाना खाएंगे, पोहा खा लो महाराज आप, कोई दिक्कत नहीं है। जूस जरूर पीना है, ध्यान रखना है, जूस जरूर पीना है, गुड़ जरूर खाना है आपको। जूस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है सर्दी आ गई लेकिन जूस आप पी सकते हो, जूस नुकसान नहीं करता है, सर्दी में भी जूस नुकसान नहीं करता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होता है, कोई दिक्कत नहीं, शरीर से मैच खा जाता है, क्योंकि शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ है तो वो मिल जाता है, मिश्रण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात आती है ग्राउंड में, हम ग्राउंड में जब उतरते हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सारी डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फ़ोटो कॉपी करा लो महाराज, और कम से कम 30 से 40 फोटो आप साथ में ले जाना, ध्यान रखना। वहाँ पर वो बार बार फोटो मांगते हैं, अगर फोटो कम पड़ेंगे फिर आपको बाहर भेजेंगे, दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, हो सकता है कि कई प्रकार के वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, आपको गाली दे सकते हैं, आपको भगा सकते हैं, इसलिए फोटो 30 से 40 ले जाना है आपको, डॉक्यूमेंट्स की सारी फ़ोटो कॉपी करके ले जाना है। इसके बाद जब आप ग्राउंड में खड़े होते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर हमको घबराना नहीं, निगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आना कि हमारी पीछे क्या स्थिति थी और आज हम क्या स्थिति या हम आज क्या आउटपुट देने जा रहे हैं ग्राउंड में, इस प्रकार की कोई भी मन में निगेटिव सोच नहीं लाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% वहाँ पर एक्सीडेंट मारने वाले हो, क्योंकि वो आपको वैसे समय पूरा दे रहे हैं, लेकिन हम समय पूरा लेके नहीं चल रहे हैं, हम तो ये मान के रख रहे हैं कि 6-7 मिनट देंगे, तब भी हमारी क्षमता है 6-7 मिनट में आराम से पूरा करने की। ध्यान रखना, आप लोगों के लिए शुभकामनाओं के लिए मैं एक वीडियो लाया था, आशा करता हूँ जैसे ही आप लोगों की दौड़ कम्प्लीट होगी आप मुझे फ़ोन लगाओगे और जानकारी दोगे, वही जानकारी मैं समय प्रसारित कर दूँगा जिससे जो भी वहाँ पर एक्टिविटी हुई है वो सभी को पता चल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।